बस्मरम रहीम वालेकुम आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गेस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में गेस्ट स्कूल का जो बेसिक काम था इस स्कूल ऑफ़ साइकोलॉजी में जो बेसिक रोल प्ले किया वो था वरदायमर वरदायमर ने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था गेस्टल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का और इसके पाइनियर्स भी बात करें तो फाउंडर्स में कोलर कोफका एंड लिविन दीज पीपल आर कंसिडर्ड एज पाइनियर्स आर फाउंडर्स ऑफ गेस्टल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बेसिक फोकस किस पे था इन लोगों का या गेस्टल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का द फोकस वाज हाउ पीपल प्रसीव एंड हाउ दे अंडरस्टैंड दबजेक्ट्स पीपल एंड इवेंट्स हमारी परसैप्शन किस तरह से बनती है हम किस तरह सराउंडिंग्स को सिचुएशन को एन्वायरमेंट को दूसरे लोगों को किस तरह से परसीव करते हैं किस तरह उनके बारे में इंटरप्रिटेशन बनाते हैं सो एकॉर्डिंग टू गेस्ट्रॉल साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल प्रसिव थिंग्स एज अ होल हम जब भी किसी इवेंट को किसी सिचुएशन को किसी इंडिविजुअल को परसीव करते हैं तो हम बहुत से स्मॉल पार्ट्स को कम्बाइन करके एक मीनिंगफुल होल में प्रसीव करते हैं एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गेस्ट्रल साइकोलॉजी दैट होल इज बैटर दैन सम पार्ट्स

नाउ दिस इंटरेक्शन इज बिटवीन मैनी फैक्टर्स बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको हम कंबाइन कर देते हैं जिनको हम एसोसिएट कर देते हैं एंड दीज फैक्टर्स इंक्लूड पास्ट एक्सपीरियंस आवर करेंट इन्वायरमेंट आवर थिंकिंग प्रोसेस फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड आवर नीड्स सो इट मीन्स दैट आवर परसेप्शन इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन वट इज़ प्रेजेंट अराउंड दैट बट इट इज आल्सो डिपेंडेंड ऑन अवर नीड्स आवर इमोशंस आवर एक्सपेक्टेश्ड एसोसिएशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स जिस लाइक आवर पास्ट एक्सपीरियंसिस आवर थिंकिंग प्रोसेस अवर फीलिंग्स अवर मोटिव आवर नीड्स एंड आवर एक्सपेक्टेशंस फ्राम दी अदर्स तो जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कंबाइन करते हैं बहुत से एलिमेंट्स को बहुत से पार्ट को और एज आ होल हम फिर मीनिंगफुल शेप के साथ मीनिंगफुल लेबलिंग के साथ किसी भी इवेंट को या किसी भी सिचुएशन को हम परसीव कर रहे होते हैं सब प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो देर आर डिफरेंट प्रिंसिपल्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय गेस्ट आर्ट साइकोलॉजिस्ट और ये कहते हैं कि हम सिचुएशन uh, में किसी भी अपनी सराउंडिंग में कोई भी एक इनमें से प्रिंसिपल यूज़ करें या मल्टीपल प्रिंसिपल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी बेस पे हम चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं या परसीव करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल इज नोन एज सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी मींस दैट ऑन दी बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वी कंबाइन दी ऑब्जेक्ट्स वी एसोसिएट दी ऑब्जेक्ट्स हम क्या करते हैं सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे मल्टीपल चीज़ों को आपस में एसोसिएट करते हैं और एसोसिएट करने के बाद हम उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं उनको एज अ होल एक मीनिंगफुल ग्रुप में परसीव करते हैं फॉर एग्जांपल सिमिलर बॉडी पार्ट्स सिमिलर बॉडी फीचर्स की बेस पे ग्रुप ऑफ बॉयज़ देन ग्रुप ऑफ़ गर्ल्स सिमिलरली बर्ड्स एनिमल्स तो सिमिलर फीचर्स, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम क्या करते हैं कंबाइन कर लेते हैं बहुत से पार्ट्स को और उनको पार्ट part, को कंबाइन करने के बाद एज अ होल एक मीनिंगफुल टाइटल एक मीनिंगफुल लेबलिंग के साथ हम उन चीज़ों को परसीव करते हैं इन अ सेम ग्रुप एज पार्ट ऑफ अ सेम ग्रुप एक और एग्जाम्पल अगर आपको दूँ तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूँ वट इज दिस तो आप में से हर कई यही आंसर देगा ये क्या है टिक एंड क्रॉस यस यू आर राइट ये टिक और क्रॉस बने हुए हैं अब यहां पे किसी के माइंड में भी सबसे पहले ये नहीं आएगा हाउ मैनी टिक हाउ मैनी पैटर्नस कितने टिक लगे हुए हैं कितने क्रॉस लगे हुए हैं किसी ने भी काउंटिंग नहीं करनी जब तक कि आप इंडिविजुअली आपसे डिमांड नहीं ना की जाए या आप इनको अटेंशन पे ना करो तो यहाँ पे क्या होता है हम कंबाइन कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ये सिमिलर फीचर्स हैं सिमिलर शेप्स हैं तो हमने क्या किया इनको कंबाइन करके एक ग्रुप बना लिया एंड दिस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी इसको हमने सेकेंड ग्रुप बना दिया अब ये हमारे पास आ गया ग्रुप वन टिक और ग्रुप टू जिसमें सारे क्रॉस हैं ठीक है तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी किस तरह हम चीज़ों को कंबाइन करते हैं और उसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं इसी तरह जैसे क्लासरूम में नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो क्लासरूम का पार्ट होते हैं तो हम uh, उनको परसीव कर रहे होते हैं एज बॉयज एंड गर्ल्स इंस्टेड ऑफ काउंटिंग दैम वन बाय वन सेकेंड प्रिंसिपल इज प्रॉक्सिमिटी प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नीयर थिंगस आर कम्बाइंड टूगैदर एंड दीज थिंग आर परसिव्ड एज अ होल इन अ सेम ग्रुप फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हु आर पार्ट ऑफ द क्लास जितने स्टूडेंट्स एक दूसरे के क्लोज बैठे होते हैं क्लासरूम में या प्ले ग्राउंड में अगर चार पाँच स्टूडेंट्स एक जगह कम एक ही जगह पे नियरनेस की बेस पे एक दूसरे के करीब बैठे हुए हैं उस उन चार पांच स्टूडेंट्स को आप सेम पीयर ग्रुप या सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स परसीव कर रहे होते हो उससे थोड़ा डिस्टेंस छोड़ने के बाद चार स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ, किसी ग्रुप में बैठे होते हैं और वो एक दूसरे के करीब होते हैं तो उनको हम सेकेंड ग्रुप परसीव करते हैं सो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस वी कैन डिवाइड वी कैन स्प्लिट द इवेंट्स एंड

नियरनेस ज़्यादा है तो नियरनेस की बेस पे इसको हमने फर्स्ट ग्रुप सीव कर लिया और जैसे ही ये डिस्टेंस होगा तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे और ये एक दूसरे के नियर है तो इसको हमने सेकेंड ग्रुप सीव कर लिया सो ऑन दी बेसिस ऑफ नियरनेस वी कैन डिवाइड वी कैन ऐड थिंग्स इन टू अ सेम ग्रुप थर्ड प्रिंसिपल इज़ क्लोइर क्लोइर मीन्स टू फिल द गैप ये बेस करता है क्लोयर हमारी पास्ट लर्निंग पे इफ़ देर इज़ गैप इन अवर सेंसेशन जैसे ही हमारे सेंस आर्गन में हमारी सेंसेशन में कोई गैप आता है तो हमारा माइंड क्या करता है और माइंड विल ऑटोमेटिकली फिल दिस गैप एंड वी विल परसीव थिंग्स एज अ मीनिंगफुल होल हम चीज़ों को एज अ होल परसीव करते हैं हमारा माइंड जो है उस गैप को फिल कर देता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे पूछूँ

Uh, जो गैप है वो आप सेंसेशन में आपके रेटना पे ये गैप बन रहा होगा लेकिन हमारा माइंड क्या करता है इस गैप को ऑटोमेटिकली फ़िल कर देता है तो हमने क्या किया इस गैप को फिल करने के बाद इस, इसको एज अ मीनिंगफुल होल इसको एज अ मीनिंगफुल पैटर्न में परसीव किया ठीक है जिस तरह हम डिफरेंट uh, चीज़ों के में अगर गैप आता है तो हम उनको एज अ मीनिंगफुल होल इस गैप को फिल करने के बाद एक सेम पैटर्न में हम परसीव कर रहे होते हैं फोर्थ प्रिंसिपल इज़ कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी मीन्स के चीज़ें जो कि कंटीन्यूस फ्लो पे चल रही होती हैं कंटीन्यूस पैटर्न पे चल रही होती हैं तो हम उन चीज़ों को उन इवेंट्स को उन ऑब्जेक्ट्स को एज अ सेम परसीव करते हैं एज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर उस कंटीन्यूस फ्लो को हम डिवाइड नहीं करते हम उनको एज पार्ट ऑफ सेम ग्रुप परसीव कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्टिक ठीक है आप क्या करते हो एक फ्लो में जा रहा है ना एक फ्लो में जा रहा है तो उसको हम एक ही फ्लो में एक कंटिन्यूस पैटर्न पे ही परसीव कर रहे हैं दिस इज क्रॉस तो एक कंटीन्यूस पैटर्न पे ही परसीव करें अब हम कभी भी इसको ये नहीं कहते कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये उसके बाद एक सेकंड लाइन है ऐसे हम परसीव नहीं करते हम कभी ये नहीं कहते यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बन गई यहाँ से यहाँ तक दूसरी लाइन बन गई अगेन ये तीसरी लाइन आ गई और ये फोर्थ लाइन आ गई ऐसे परसीव नहीं करते बल्कि हम क्या करते हैं एज आ होल हम इसको एक मीनिंगफुल कंटिन्यूस पैटर्न में ही परसीव कर रहे होते हैं क्योंकि ये सेम पैटर्न को एक कंटिन्यूटी को फॉलो कर रही है एक सेम ऑर्गेनाइज वे में अरेंज वे में कंटिन्यूस पैटर्न में स्मूथली एक रन कर रहा है पैटर्न कॉमन रीजन थिंग्स दैट आर लोकेटेड इन द सेम प्लेस आर सेम एरिया एक कॉमन एरिया को एक कॉमन प्लेस को या कॉमन बाउंड्री को जो चीज़ें शेयर कर रही होती हैं उनको हम एज अ होल एक सेम ग्रुप में परसीव कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इस तरह के कुछ सर्कल्स बने हुए हैं ये ये सारे सर्कल्स हैं फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई चीज़ है तो हम क्या करते हैं ये सारे क्या है हम कह देते हैं सर्कल्स लेकिन जैसे ही हम इसकी एक बाउंड्री लगाएंगे तो ये बाउंड्री क्या करती है विद इन दी बाउंड्री जितने भी सर्कल्स हैं उनको हम से, एक सेम ग्रुप में परसीव करेंगे और आउटसाइड दी बाउंड्री ये वाले जो सर्कल्स हैं इनको हम आउटसाइड दी बाउंड्री एक सेकेंड ग्रुप बना लेंगे वो चीज़ें जो एक सिंगल सिंगल बाउंड्री को शेयर कर रही होती हैं तो इन साइड द बाउंड्री आर परसीव्ड एज अ सेम ग्रुप बिलोंगिंग टू ईच अदर एंड आउटसाइड दी बाउंड्री आर कंसीडर्ड एज अपोजिट ग्रुप आर डिफरेंट ग्रुप इसी तरह बर्ड्स जो कि एक ग्रुप में ट्रेवल करते हैं आप देखें उनकी मूवमेंट एक ग्रुप में होती है तो अगर आप इवनिंग टाइमिंग्स में बर्ड्स का जो देखें फ्लाइंग तो वहाँ पे क्या होता है वो बर्ड्स जो कि एक ही रीजन को एक ही प्लेस को शेयर कर रहे होते हैं ग्रुप में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनको आप एज अ होल एक सेम uh, ग्रुप में परसीव करते हो और उससे थोड़ा डिस्टेंस रखने के बाद जो बर्ड्स ट्रैवल कर रहे होते हैं उनको वो उस बाउंड्री को उस प्लेस को शेयर नहीं कर रहे होते तो हम उनको उस ग्रुप का पार्ट नहीं समझते जो कि उस बाउंड्री के आउटसाइड चले जाते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रेगनेंस प्रेगनेंस uh, जो है ये बेसिकली ये भी जर्मन वर्ड है विच मीन्स गुड फिगर गुड फिगर मीन्स कि अगर हम किसी कम्प्लैक्स इवेंट को कम्प्लेक्स सिचुएशन को फेस करते हैं कम्प्लीकेटड फिगर को परसीव कर रहे होते हैं फेस uh, करते हैं तो ये हमारे अंदर एक टेंडेंसी है कि हम कम्प्लिकेटेड थिंग्स को uh, उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में परसीव करते हैं जितनी कम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है उतना हमारा माइंड उनको ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सिंपल बनाने की कोशिश करता है जितना फॉर एग्जांपल वो चीज़ें जो एक दूसरे के ये एक दूसरे को क्रॉस करते जा रहे हैं ना सर्कल्स दैट आर क्रॉसिंग ईच अदर तो अब यहाँ पे हम इन चीज़ों को सर्कल्स uh, ही परसीव करते हैं दीज आर राउंड शेप्स दैट आर क्रॉसिंग ईच अदर इनको हम यहाँ से एक अलग फिगर यहाँ से एक अलग यहाँ से डिवाइड कर दिया सेपरेट पे ये डिवाइड कर दिया सेपरेट पे हम डिवाइड नहीं करते ओवरलैपिंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं तो हम ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स को ऐसे कंसिडर नहीं करते कि ये एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है हम क्या करते हैं उनके ओवरलैपिंग को सिंपलेस्ट uh, फॉर्म में डिवाइड करके उनको एज आ होल एक मीनिंगफुल पैटर्न के साथ ही परसीव कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ये ओवरलैप कर रही हैं ये तीनों शेप्स लेकिन हमने क्या किया अपनी परसेप्शन को ईजी बनाने के लिए इस कंप्लिकेटेड फिगर को हमने इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में एक स्केयर हो गया ये ट्राइंगल हो गया और ये सर्कल हो गया तो हमने इसको तीन शेप्स में डिवाइड कर दिया जो हमारी ऑलरेडी मेमोरी में अवेलेबल है हमारी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में तो जितना सिंपल हम बना सकते हैं हमने ऐसा नहीं किया कि ये वाली चीज़ इसको हम एक अलग चीज़ परसीव करें इसको हम एक सेपरेट परसीव करें इसके आउटसाइड जो है इसको सेपरेट परसीव करें और इसको सेपरेट परसीव करें हम क्या करते हैं चीज़ों को जितना सिंपल बना सकते हैं हम उसके अकॉर्डिंग उसकी सिम्पलिसिटी पे चलते हैं और चीज़ों को सिंपलेस्ट वे में सिंपलेस्ट फॉर्म में परसीव कर रहे होते हैं सेवन प्रिंसिपल इज सिमेट्री एंड ऑर्डर वो चीज़ें जो एक ऑर्डर को एक फ्लो को एक सिमेट्री को फॉलो कर रही होती हैं तो हम उन चीज़ों को एक ही ग्रुप में परसीव कर रहे होते हैं वो चीज़ें जो कि एक ही शेप की होती हैं जो एक सिमिलर आर्डर को सिमिलर पैटर्न को ठीक है वो फॉलो कर रही होती हैं तो उनको हम एज अ होल एक ही ग्रुप परसीव करते हैं नो मैटर हाउ मच डिस्टेंस इज़ इन बिटवीन देम, कितना ही डिस्टेंस क्यों ना हो फॉर एग्जांपल एक ये यहाँ से एक ब्रैकेट आपने स्टार्ट की ये सारा डिस्टेंस कवर करने के बाद जहाँ पे आके ये एंड होगी ब्रैकेट आपने इन दोनों को एज अ होल एक ब्रैकेट ही कंसिडर करना है स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इसके दरम्यान में जितनी भी राइटिंग आ जाए ये सारा आपका सेम जो है एक ही चीज आप उसको परसीव करते हो इसी तरह सेट ऑफ वॉस कोई डेकोरेशन पीस कोई वॉस जो सेम शेप के हैं सेम ऑर्डर के हैं वो आपने टेबल के एक कॉर्नर पे एक रखा हुआ है और टेबल के दूसरे कॉर्नर पे जाके आप दूसरे दूसरा वास रखते हो तो आपने उनके दरमियान चाहे एम्प्टी स्पेस है या उनके दरमियान कोई भी चीज़ें पड़ी हुई हैं आपने उन दोनों पार्ट्स को दोनों डेकोरेशन पीसेस को दोनों वास को सिमिलर ग्रुप ही परसीव करना है जितना भी डिस्टेंस उनके दरम्यान आ जाए ठीक है वो सिमिलर पेयर सेम पेयर को ही शेयर कर रहे हैं आप किसी रूम के एक कार्नर में एक वॉश रख लेते हो दूसरे कॉर्नर में दूसरा वॉश सेम पैटर्न का सेम शेप का रख देते हो तो बाहर से आने वाला बंदा उन दोनों को दो अलग चीजें परसीव नहीं करेगा बल्कि पेयर ही परसीव करेगा ठीक है तो वो पेयर में ही जाती हैं पास्ट एक्सपीरियंस Uh, on the according to this principle we perceive things on the basis of our past learning and prior knowledge जिस तरह की हमारी past learning बन चुकी है उसके according हम चीज़ों को perceive कर रहे होते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आप छोटे बच्चों को ड्राइंग करते हुए देखें या कुछ लिखते हुए देखें तो जो उनकी इनिशियल drawing होती है वो इम होती है वो प्रॉपर नहीं होती uh, अगर आप उसको कह देते हो कि कोई भी एनिमल ड्रा करो फॉर एग्ज़ाम्पल रेड ड्रा करना है कैट ड्रा करनी है तो वो इम प्रॉपर सी ड्राइंग बनाता है लेकिन इम हमारी क्योंकि कैट के बारे में पास लर्निंग हो चुकी है तो हम उस इमप्रॉपर ड्राइंग को भी या इम प्रॉपर जो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड है या लेटर है उसको भी हम एक प्रॉपर लेटर में या प्रॉपर कैट का ही शेप को परसीव करेंगे क्यों बिकॉज वी हैव लर्नड अबाउट दैट हमारी पास्ट लर्निंग ऑलरेडी हो चुकी है उस चीज़ के बारे में उस ड्राइंग को या उस लेटर को या उस एल्फाबेट को हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं हमारी प्रीवियस नॉलेज में है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है तो जैसा भी वो ड्रा करेगा हम उसके अकॉर्डिंग अपने पास लर्निंग के अकॉर्डिंग उसको कैट ही परसीव करेंगे उसको वो अल्फ़ाबेट ही परसीव करेंगे जो हमने उसे ड्रा करने के लिए कहा इसी तरह अगर आप देखें ट्रैफिक लाइट्स को तो कुछ आ, मतलब लाइट आती है समटाइम्स रेड लाइट येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट तो जो रेड लाइट है जो आपके पास रेड लाइट आती है आप उसको एसोसिएट कर दे, देते हो रेड लाइट को एसोसिएटेड विथ टू स्टॉप ठीक है तो जब टू स्टॉप की बारी आती है इट मींस रेड लाइट जब स्टार्ट होगी रेड लाइट कहीं पे भी ऑन है तो इट मींस यू हैव टू स्टॉप ट्रैफिक लाइट के बारे में आपकी लर्निंग हो चुकी है तो इट मींस रेड लाइट शोज यू दैट वी हैव टू स्टॉप देयर दिस इज बेस्ड ऑन अवर पास्ट लर्निंग कनेक्टेडनेस हम नाइन्थ प्रिंसिपल है कनेक्टेडनेस गिस्टाइल साइकोलॉजी का अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एलिमेंट्स आर थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट हैव कनेक्शन बिटवीन देम जिन चीज़ों के दरमियान कनेक्शन होता है जितना कनेक्शन स्ट्रांग होगा उतनी उनकी ग्रुपिंग करने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे फॉर एग्जांपल अगर कुछ डॉट्स हैं कुछ सर्कल्स हैं उनको आप एक लाइन के साथ कनेक्शन प्रोवाइड करें तो कनेक्टेड जो सर्कल्स होते हैं उनको सिमिलर ग्रुप में लाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ठीक है जितनी कनेक्शन बनेगी कनेक्शन बनता जाएगा उनको एक ग्रुप में लाने के चांसेस भी ज़्यादा होते जाएंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कनेक्टेड है जो डॉट्स uh, आपस में जिनके दर जिनको मैंने लाइन से कनेक्ट कर दिया तो इट मींस उनको आप एक सिमिलर पैटर्न में सेम ग्रुप में परसीव कर रहे होते हो इसी तरह अगर यहाँ से इसको कनेक्शन दूँ यहाँ से कनेक्शन दूँ यहाँ से कनेक्शन दूँ तो बाकी चीज़ों को आप एक्सक्लूड कर दोगे लेकिन ये जो चीज़ है इसको आप एक बॉक्स के तौर पे परसीव करोगे क्यों बिकॉज अ लाइन इज ड्रॉन लाइन हैज बीन ड्रॉन टू कनेक्ट दीज डॉट्स एंड दीज सर्कल्स इन सर्कल्स को एक लाइन के थ्रू कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया जब ये कनेक्शन मिलता है तो कनेक्शन की बेस पे एक सेम uh, ग्रुप या uh, एक ग्रुप करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ठीक है एंड लास्ट प्रिंसिपल इज फिगर एंड ग्राउंड परसेप्शन according to this principle from our surroundings we perceive some things some objects and some elements as main figure of that situation or that surrounding and the rest of the things are perceived as background for example things that are valuable for us that are attractive for us that are colorful that are moving that are noisy that are bright ऑल ऑफ दीज थिंग आर परसिव्ड एज मेन फिगर ऑफ़ दैट सिचुएशन वो चीज़ें जो हमारे लिए अट्रैक्टिव होंगी सिग्निफिकेंट होंगी वैल्यूएबल होंगी मूविंग होंगी नॉइजी होंगी ब्राइट कलर्स होंगे वो हमारी अटेंशन को कैच करते हैं और उनको हम अपने सराउंडिंगस में से एज द मेन फिगर परसीव करते हैं इसके अलावा जितनी भी रेस्ट ऑफ अदर थिंग जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे लिए अन्पॉर्टेंट हैं जो अन एट्रैक्टिव हैं जो अनमूविंग हैं जो डल है जो क्वाइट हैं जो काम है, है इन सारी चीज़ों को एज अ बैकग्राउंड परसीव किया जाता है ठीक है अब यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आती हैं एक चीज़ जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है वो किसी सेकंड इंडिविजुअल के लिए बैकग्राउंड हो सकता है वो थिंग्स जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो हमारे लिए फिगर होंगी और बाकी चीज़ें बाकी सारी चीज़ें आपके सेंसेशन में आती हैं लेकिन आप उसको एज अ बैकग्राउंड परसीव करते हो फॉर एक्जाम्पल ये जो वाइट पोर्शन है इस स्लाइड का इसको हम एज बैकग्राउंड परसीव कर रहे हैं और इसके ऊपर ये जो राइटिंग है इस सारी राइटिंग को हम एज अ मेन फिगर परसीव करें बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आस वो चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी जो अट्रैक्टिव होंगी जो कलरफुल होंगी कलरफुल चीज़ें भी हमारी अटेंशन को फ़ौरन से कैच कर लेती हैं इस तरह मूविंग ऑब्जेक्ट्स भी एज कम्पेयर टू क्वाइट अन मूविंग स्टेलर स्टेशनरी थिंग्स ये चीज़ें भी हमारे मूवमेंट uh, के साथ या नॉइजी थिंग्स जो होती हैं ये हमारी अटेंशन को फ़ौरन कैच करती हैं और इन चीज़ों को हम मेन फिगर परसीव करते हैं और बाकी चीज़ों को हम इग्नोर क्यों करते हैं अपनी परसेप्शन में ताकि हम अपने माइंड को रिलैक्स रख सकें हम उसको एक्स्ट्रा बर्डनाइज ना करें तो इस तरह से हम चीज़ों को परसीव करते हैं जौन सा प्रिंसिपल जौन सी सिचुएशन में हमें ईजी लगता है हम उसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट इवेंट्स को डिफरेंट सिचुएशन को और डिफरेंट इंडिविजअल को डिफरेंट सराउंडिंग्स को परसीव करते जाते हैं थैंक यू सो मच